हेलो गाइस मैं हूं सुबोध और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल साइकोटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी यानी कि एम पी सी फाइव इग्नू का ये सब्जेक्ट है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं या अगर आप यूनिट वाइज़ क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि कौन से यूनिट में कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से लगभग हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले सेवन टर्म एंड एग्जामिनेशन से मैंने एनालाइज़ किया है सेवन टर्म्स एंड एग्जामिनेशन में दिसंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सारे पेपर्स को एनालाइज़ करके यूनिट वाइज मैंने डिवाइड किए हैं कि कौन से क्वेश्चन किस यूनिट के हैं और कितने बार रिपीट हुए कितने मार्क्स में आए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कौन से यूनिट में से कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों सबसे पहले बात आती है ब्लॉक वन की ब्लॉक वन में चार यूनिट्स हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वन की यानी कि बेसिक प्रोसेस और कंसेप्ट इन रिसर्च जैसे कि आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दिसंबर 2019 में टेन मार्क्स में क्वेश्चन आया है वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ आप सेम ब्लू कलर में जो आप ये देख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन सेम ब्लू कलर मैंने किया फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है उसको जहाँ पर सेम कलर आप देख पा रहे होंगे यानी कि वो रिपीटेड है वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिसंबर 2017 में था ये टेन मार्क्स में इसी तरीके से आप जो ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं रिसर्च का क्वेश्चन है वो दिसंबर 2019 में आया है क्वेश्चन और जून 2017 में आया है तो यूनिट वन से ये क्वेश्चंस हैं जो लगभग पूछे जाते हैं तो इन टॉपिक से आप तैयारी कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं यूनिट टू की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वेलाइबिलिटी एंड वैलिडिटी यानी कि यूनिट टू ब्लॉक वन में से ये क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं आप सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दिसंबर 2019 में टू प्लस फोर यानी कि टू मार्क्स में डेफिनेशन आया है और फोर मार्क्स में डिस्कशन आया डिस्कस द वेरियस थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी और सेम क्वेश्चन सेम वे में रिपीट हुआ है दिसंबर 2018 में आया था ये और रिपीट हुआ है दिसंबर 2019 में सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं वेरियस मैथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी सेवन मार्क्स में जून टू में आया था टेन मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें थ्री मार्क्स में डिफाइन रिलायबिलिटी था अब इस क्वेश्चन को आप देखिए तीन बार सेम क्वेश्चन आया है दिसंबर 2017 में सिक्स मार्क्स में जून 2018 में टेन मार्क्स में और जून 2019 में सेवन मार्क्स में इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं जून 2017 और दिसंबर 2017 में सिक्स मार्क्स में आया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी दोस्तों ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उसको जरूर पढ़ के एग्ज़ाम में जाना चाहिए अब बात आती है यूनिट थ्री के यूनिट थ्री में वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स इसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट दो बार रिपीट हुआ है जून 2018 में फोर मार्क्स में और दिसंबर 2019 में थ्री मार्क्स में इसी तरीके से टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिसंबर uh, 2016 में टेन मार्क्स में था और जून 2019 में सिक्स मार्क्स में और एक और इसके अलावा क्वेश्चन आया है जून 2019 में वैलिडिटी तो इसमें से इम्पॉर्टेंट हो जाता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अब बात करते हैं यूनिट फोर हैपोथीसिस फॉर्मोलेशन एंड सैम्पलिंग दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से टेन मार्क्स में से क्वेश्चन लगभग आता ही आता है हर बार हर एग्ज़ाम में तो आप इसमें जैसे देख सकते हैं ये वेरियस सैम्पलिंग मैथड्स टेन मार्क्स में दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन में आया था इसी तरीके से ये जो टेन मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसमें कई बार दो पार्ट्स में पूछ लेते हैं टू प्लस एट थ्री प्लस सेवन फोर प्लस सिक्स या फाइव प्लस फाइव तो उसको आपको उस तरीके से आंसर करना है क्वेश्चन को जो सेकेंड क्वेश्चन इसमें आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ हैपोथीसिस ये थ्री मार्क्स में और जून टू थाउजेंड नाइनटीन में था उससे पहले दिसंबर 2017 में थ्री मार्क्स में था उससे पहले दिसंबर 2016 में फोर मार्क्स में था यानी कि टाइप्स ऑफ हैपोथाइसिस रिपीट होता रहता है और दूसरा इसके साथ एरर्स इन हेपोथासिस टेस्टिंग ये एक बार थ्री मार्क्स में आया और एक बार टू मार्क्स में आया तो बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन इस यूनिट से अभी तक पूछे गए हैं सेवन टर्म्स में तो ये तो बात हुई ब्लॉक वन की अब बात करते हैं ब्लॉक टू की ब्लॉक टू में सबसे पहला यूनिट है सर्वे रिसर्च सर्वे रिसर्च में भी टेन मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम थ्री मार्क्स का और मैक्सिमम टेन मार्क्स का तो जिसमें कि आपको सर्वे क्या है या उसके वेरियस टाइप्स पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरियस टाइप्स इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च जो सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन में फोर मार्क्स का टाइप्स बताना था और टू मार्क्स में डिफाइन करना था कि व्हाट इज़ अ सर्वे रिसर्च और सेम ये पहले आया है फाइव मार्क्स में दिसंबर 2016 में स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सर्वे रिसर्च इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च ये भी दो बार रिपीट हुआ है और इसके अलावा डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इन सर्वे रिसर्च ये भी दो बार रिपीट हुआ है तो ये तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं अब यूनिट टू में देखते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं इसमें देखिए दो क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं टोटल चार क्वेश्चन आए हैं सेवन टर्म्स में और दो क्वेश्चन हैं जो दो दो बार रिपीट हुए हैं पहला तो है स्टेप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च सिक्स मार्क्स में और इससे पहले ये कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च टेन मार्क्स में था दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ये भी दो बार रिपीट हुआ है अब यूनिट थ्री की बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसे हम फील्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं मेरे हिसाब से ये ऐसा यूनिट है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें टेन मार्क्स का भी आ सकता है सिक्सटीन मार्क्स तक के क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से मिनिमम थ्री मार्क्स और मैक्सिमम सिक्सटी मार्क्स तक के क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं जैसे कि इसमें आपको पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दो बार रिपीट भी हुआ है डिफरेंस बिटवीन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो आप देख पा रहे होंगे कितने बार ये क्वेश्चन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के आए हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन इस यूनिट से आप तैयार कर सकते हैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ताकि जो क्वेश्चन हैं मैक्सिमम यानी कि सिक्सटी मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं इस यूनिट से तो आपका मिस ना हो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 2019 में 10 मार्क्स में था सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी कि 13 मार्क्स में था दिसंबर 2019 में 13 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं फिफ्थ नंबर और सिक्सथ नंबर दिसंबर 2018 के क्वेश्चन है इसी तरीके से आप नीचे देख सकते हैं फोरथ फिफ्थ सिक्स ये तीन क्वेश्चन दिसंबर टू के क्वेश्चन हैं ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन दिसंबर 2018 में जो इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ट्वेंटी सिक्स मार्क्स के इस यूनिट के आंसर आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं ब्लॉक थ्री में यूनिट थ्री को जिसमें क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ है अब फोर्थ यूनिट है केस स्टडी केस स्टडी में सेवन टर्म्स में दो बार ही क्वेश्चन आए हैं एक बार सिक्स मार्क्स में आया और एक बार टेन मार्क्स में आया दिसंबर टू में टेन मार्क्स में आया था और जून एटीन में सिक्स मार्क्स में दोस्तों अब ब्लॉक टू के बाद ब्लॉक थ्री की बात करते हैं जिसमें सबसे पहला यूनिट है सिंगल फैक्टर डिज़ाइन सिंगल फैक्टर डिज़ाइन में इसमें दो बार तो क्वेश्चन आए हैं टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप जो कि दिसंबर 2016 में और दिसंबर 2017 में दिसंबर 16 में आया था टेन मार्क्स में और दिसंबर सेवनटीन में सिक्स मार्क्स में इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन था वो था टाइप्स ऑफ विद इन सब्जेक्ट यानी कि इस यूनिट में से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप और टाइप्स ऑफ विद इन सब्जेक्ट ये दो तरह के क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है इसमें अब यूनिट टू है इसमें फैक्टोरियल डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टोरियल डिज़ाइन ये दो बार आया है एक बार फोर मार्क्स में और सिक्स मार्क्स में दिसंबर एटीन में सिक्स मार्क्स में था और जून एटीन में फोर मार्क्स में था इसके अलावा फैक्टोरियल डिज़ाइन डेफिनेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स जो भी हैं ब्लॉक थ्री यूनिट फोर है अदर डिज़ाइंस जिसमें कि को रिलेशनल डिज़ाइन और कंपैरेटिव डिज़ाइंस आते हैं इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था यूनिट जिसमें ट्वेंटी सिक्स मार्क्स तक का क्वेश्चन आया था जनरली टेन टू थर्टीन मार्क्स सिक्सटीन मार्क्स तक के आते ही हैं उस यूनिट से ये भी ऐसा यूनिट है जिसमें टेन के अलावा भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं यानी कि दस मार्क्स से लेकर सोलह मार्क्स तक के क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछे जा सकते हैं तो ये क्वेश्चन हैं आप इसे देख सकते हैं जितने भी ये आपको स्क्रीन पर दिख दिखने होंगे क्वेश्चन इसके आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में रेफर करने में ईजी रहे अब बात आती है ब्लॉक फोर ब्लॉक फोर में सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग एथनोग्राफी तो एथनोग्राफी से भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कई बार जिसमें स्टेप्स पूछे जाते हैं जनरली थ्री मार्क्स में ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में आए यानी कि जून नाइनटीन और दिसंबर एटीन में उससे पहले दिसंबर सेवनटीन में सेम क्वेश्चन सिक्स मार्क्स में आया है और स्टेप्स के अलावा टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी और एथनोग्राफी को डिस्क्राइब करना यानी कि एथनोग्राफी क्या है उसका डिस्क्रिप्शन टाइप्स और स्टेप्स ये तीन टॉपिक्स इस यूनिट में इम्पोर्टेंट है यूनिट टू है ग्राउंडेड थ्योरी ग्राउंडेड थ्योरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवन टर्म्स में फोर क्वेश्चंस आए हैं और फोर क्वेश्चंस इस टाइप के हैं आप इसे देख सकते हैं जिसमें कि दो बार तो स्टेप्स पूछे गए हैं स्टेप्स के अलावा टाइप्स पूछे गए हैं इसके बाद है ब्लॉक थ्री यूनिट थ्री यानी कि डिस्कोर्स एनालिसिस डिस्कोर्स एनालिसिस में आप देख सकते हैं जून 2019 दिसंबर 19 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है जून 19 में क्वेश्चन था इशूज़ ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन डिस्कोर्स एनालिसिस दिसंबर 18 में 10 मार्क्स में था जून 18 में सिक्स मार्क्स में था और दिसंबर 17 में टेन मार्क्स का क्वेश्चन था और जून 17 में थ्री मार्क्स तो इस यूनिट से दिसंबर में क्वेश्चन नहीं आया तो चांसेस बन जाते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है लास्ट यूनिट है यूनिट लास्ट यूनिट है ब्लॉक फोर का रिपोर्टिंग एंड एवेलुएटिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च ये लास्ट यूनिट है ब्लॉक फोर का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें से इम्पॉटेंट क्या है आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या इसके वेरियस टाइप्स क्या हैं इसके अलावा वेरियस स्टेप्स ऑफ एवेलिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च और कंसेप्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं आप यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं फाइव मार्क्स में है और फिफ्थ क्वेश्चन भी सिक्स मार्क्स का जिसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखना है उसके अलावा सेवन्थ नंबर पे भी आप देखिए स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग प्रिपेरिंग रिपोर्ट यानी कि ये क्वेश्चन है ये टॉपिक जो तीन बार रिपीट हुआ है तो दोस्तों ये तो बात हुई रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी की एम पी सी फाइव इसमें मैंने आपको बताया कि सेवन टर्म्स पिछले सेवन टर्म्स में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कितने मार्क्स में किस यूनिट से रिपीट हुए हैं अगर आपको किसी तरीके की और भी इंफॉर्मेशन डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ Till then, bye bye, take care.